महाराष्ट्र में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। नासिक जिले के पास एक ट्रेन बेपटरी हो गई है। मुंबई से बिहार के बीच चलने वाली ट्रेन के कई डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। 11 डिब्बों को नुकसान पहुंचा है। हादसे में एक यात्री की मौत और कई लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। इस घटना के बाद कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है। दुर्घटना के बाद सेंट्रल रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आरपीएसएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को ट्रेन से निकाल रही है। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन मुंबई से लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बिहार आ रही थी। 11061 लोकमान्य तिलक टर्मिनल जयनगर एक्सप्रेस के बेपटरी होने की खबर से बिहार में लोगों की चिंता बढ़ गई है। यह हादसा महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों को नासिक रेलवे स्टेशन लाया जा रहा है। यहां से यात्रियों को आगे भेजने की व्यवस्था की जाएगी। यह ट्रेन बिहार के छपरा, दिघवारा, सोनपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर जंक्शन, ढोली, समस्तीपुर जंक्शन, लहेरिया सराय, दरभंगा जंक्शन, सकरी जंक्शन, मधुबनी होते हुए जयनगर तक जाती है। यूपी के प्रयागराज जंक्शन से लेकर वाराणसी, गाजीपुर और बलिया जिले में भी इस ट्रेन के कई ठहराव हैं। देशवा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।